हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गर्मियाँ आ गई हैं, तो क्यों ना गर्मियों की शुरुआत हो गई है तो हम बढ़िया सा रायता बनाकर खाएं या पिएं। और गर्मियों में तो दही से बनने वाली सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं और बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होती हैं। तो इंदौर में भी गर्मी शुरू हो गई है, तो मैं आज आपको स्मोकी फ्लेवर्ड रायता बनाना बताऊंगी, वो भी सिर्फ 5 मिनट में। तो उसके लिए मैंने ले लिया है फ्रेश दही, और ये मैंने घर पर ही जमाया है। ये 1/2 किलो से ज़्यादा ही होगा, तो वो दही मैंने ले लिया है। और आप फ्रेश दही लें, उसका रायता अगर आप बनाएंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। खट्टा रायता बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, तो पूरी कोशिश कीजिएगा कि फ्रेश दही रहे आपका। तो दही मैंने ले लिया है और उसको विस्कर से अच्छे से मैंने फेंट लिया है। तो अब इसमें मैं डाल दूंगी पानी। तो जितना रायता आपको लिक्विड चाहिए उस अकॉर्डिंग आप इसमें पानी डाल लें। तो अब मैंने ले ली है बूंदी, और ये तीखी वाली बूंदी है, तो पहले इसमें मैं तीखी वाली बूंदी ऐड कर दूंगी। फिर मैंने ले ली है 1 छोटा कटोरी सिंपल वाली बूंदी। बूंदी आप कोई से भी फ्लेवर की ले सकते हैं, मेरे पास कई सारे फ्लेवर्ड वाली बूंदी हैं, तो मैंने 2 फ्लेवर की ले ली है। और दही में बूंदी को डाल दिया है, और ये है भुना हुआ जीरा जिसको मैं 1 चम्मच ऐड कर रही हूँ, और ये है ब्लैक सॉल्ट जिसको भी मैं थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ। और मैं रायते को खट्टा मीठा बना रही हूँ, तो इसमें मैंने ऐड कर दी है चीनी। और ये है पुदीना के पत्ते जिनको मैंने ड्राई कर लिया था। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास अगर फ्रेश पुदीना नहीं है तो हम इस तरीके से पत्तों को सुखा लेते हैं और इस तरीके से क्रश करके हम डाल देंगे। बिल्कुल फ्रेश पुदीने वाली खुशबू आती है, बिल्कुल भी चेंज नहीं है। एक बार इस तरीके से आप ड्राई करके देखिएगा। और थोड़ा सा मैंने डाल दिया वाइट सॉल्ट और थोड़ी सी मिर्ची। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इतनी अच्छी खुशबू आती है ना, इसमें हम कोई भी रायता मसाला वगैरह यूज़ नहीं करेंगे, फिर भी जो है वो हमारा रायता बिल्कुल शादियों में बनता है उस तरीके से बनेगा। तो हम तड़का तैयार कर रहे हैं, उसके लिए मैंने ले लिया है जीरा, राई और हींग, और ये रहा मस्टर्ड ऑयल। इसको मैं बहुत ज़्यादा गर्म कर लूँगी गैस के ऊपर। तो देखिए, ऑयल को मैंने बहुत अच्छे से गर्म कर लिया है, और जो चीज़ें मैंने खड़े मसाले जो लिए थे, राई, जीरा, हींग, उनको अच्छे से डार्क कर लिया है, और इसको मैंने डुबो दिया है। एकदम स्मोकी फ्लेवर्ड हमारा रायता सिर्फ 5 मिनट में बनकर तैयार हो गया है। तो देखिए, दिखने में लग रहा है ना एकदम मज़ेदार सा रायता, और इसको देखकर किस किस के मुंह में आ रहा है पानी, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इसका थोड़ा सा और स्वाद बढ़ाने के लिए मैं इस पे डाल दी हूँ फ्रेश हरा धनिया। अगर आप खाते हैं तो डालिए, नहीं खाते हैं तो मत डालिए। और इसको अच्छे से मैं मिक्स कर दूंगी। और अगर आप ये चाहते हैं कि जिस तरीके से मैंने पुदीना के पत्तों को ड्राई किया है वो किस तरीके से किया है, तो उसकी वीडियो भी मैं आप लोगों को दे दूंगी। तो आ जाइए, झटपट से रायता मैं आपको शर्व करके दे रही हूँ। मुझे तो ये वाला रायता बहुत ज़्यादा पसंद है। पूड़ी, पराठा, राइस, आप इसको किसी के साथ भी खाइएगा, और कुछ नहीं है तो आप इसको ऐसे ही गिलास में भर के पी लेंगे। और आप चाहें बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाए तो इसमें आइस भी ऐड कर सकते हैं। मैंने कई तरीके की रायतों की रेसिपी शेयर की हूँ और करूँगी गर्मियों में। अगर अच्छी लगी हो ये वीडियो तो लाइक जरूर करना।